गणेश जी की पूजा किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले की जाती है, ताकि वह कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो सके। गणेश जी का सर हाथी का है, जो बुद्धि, स्मरण शक्ति और बल का प्रतीक है। उनके चार हाथ हैं, जिसमें से एक हाथ में अंकुश, जो इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए है, दूसरे में पाश, जो बंधनों से मुक्ति दिलाता है, तीसरे हाथ में मोदक, जो आनंद और प्रसन्नता का प्रतीक है, और चौथे हाथ से वे सभी को आशीर्वाद देते हुए प्रकट होते हैं। उनकी बड़ी पेट इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने संसार की सभी अच्छी और बुरी चीजों का आत्मसत्ता कर लिया है। मूषक उनके वाहन के रूप में उनकी सूक्ष्मता तथा सकारता का प्रतीक है। वे यह भी दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति, वह चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गणेश जी का जन्म माता पार्वती से हुआ। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार माता पार्वती ने गणेश जी को अपने शरीर की उपटन से बनाया था और उन्हें अपने द्वार की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। जब भगवान शिव घर वापस आए और गणेश जी ने उन्हें प्रवेश से रोका, तो शिव जी ने अज्ञानता से उनका सर काट दिया। जब माता पार्वती को यह पता चला, वे बहुत ही दुखी हुईं। तब भगवान शिव ने गणेश जी के सर की जगह हाथी का सर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया था। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव है, जो भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान गणेश जी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 10वें दिन विसर्जन के साथ यह पर्व संपन्न होता है।